आप सबको स्वागत है। आज हम 22 मार्च के ईश्वरवरदान में हैं, जहाँ पर परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने जीवन में औरों को खुशियां बांट करके हम खुशियों का अकाउंट जमा करें। लोग पैसे का अकाउंट जमा करते हैं और परमात्मा कहते हैं तुम लोगों को खुशियां बांट करके खुशियों का अकाउंट जमा करो। अब खुशियां बांटी कैसे जाती है? दुनियावी तरीके से देखा जाए तो अगर आप किसी को शरीर समझते हैं तो शरीर या देह के हिसाब से आपको देह के गिफ्ट्स प्रेजेंट्स खरीद करके उनको खुश करना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आप उसके गुणों को देख करके, उसकी शक्तियों को देख करके उसकी वाहवाह कर सकते हैं, मतलब किसी गुणों की, उसकी शक्तियों की वाहवाह कर सकते हैं और वो आत्मा संतुष्ट खुश हो सकती है उससे। तो दो चॉइसेस है, एक है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। आप कौन सी देते हैं चेक करिएगा। तो एक जो परमानेंट हो गई वो आप हमेशा के लिए दे पाएंगे और जो टेम्परेरी होगी वो दे करके भी आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी लालसा और इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। आप जितना भी गिफ्ट देंगे उतना वो इंसान उसको इस्तेमाल करके खत्म कर देगा। लेकिन आप किसी के गुणों की महिमा करते हैं, गुणों की महिमा कर गुणों के बारे में उसका चर्चा करें तो उसके गुण बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर भी वो गुण बढ़ते जाएंगे। तो कौन सी खुशी देनी सच्ची खुशी है, सोचिएगा इसके बारे में। तो देखिए आज परमात्मा इस चीज के बारे में कहते क्या है। संपर्क में आने वाली आत्माओं को, परमात्मा कभी मनुष्य को नहीं कहते हैं, परमात्मा कहते हैं आत्माओं को, संपर्क में आने वाली आत्माओं को, चाहे कोई भी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे काम करने वाला हो कोई, चाहे घर में काम करने वाला हो, चाहे मिस्त्री हो, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। इसकी अनुभूति, सुख की अनुभूति कराने वाले आप सुखदाता के बच्चे, परमात्मा हो गए सुखदाता। सबको आकर के आत्मा का पहचान, आत्मा का ज्ञान देते, बोलते अपने आपको आत्मा समझे, परमात्मा कहते हैं। और जैसे हम अपने आपको आत्मा समझते हैं तो फिर हमारा जो, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन होती हैं, दैहिक दृष्टि की नहीं। क्योंकि दैहिक दृष्टि की इच्छाएं जो होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती और वो हमें लोभ में, अहंकार में, ईर्ष्या में, घृणा में ले जाती हैं कि हम जितनी चीजें हमने हासिल करी हैं उसका अहंकार आ जाता है और जितनी चीजें हमने हासिल नहीं करी हैं उसकी हमें असंतुष्टता आ जाती है और लोभ आ जाता है। तो देखिए दैहिक दृष्टि से अपने आपको समझने से कितनी प्रॉब्लम आती है। और जितना हम अपने आपको आत्मिक दृष्टि से समझते हैं, जो परमात्मा में देखते हैं, परमात्मा बोलते हैं बच्चे अपने आपको आत्मा समझो, मैं भी आत्मा हूं लेकिन मैं परम हूं, तुम भी आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो आत्मिक स्वरूप में, बिंदी प्रकाश स्वरूप में, बिल्कुल ये शरीर तुम्हारे लौकिक माता पिता ने दिया है। तो जैसे हम अपने आपको आत्मा समझते हैं, हमारे अंदर जो अभिमान था धन दौलत का, नाम मान शान का, जो सर्टिफिकेशन प्रॉपर्टी सारी चीजों का जो भी हमें अभिमान होता है, जो आपको पता ही ऑलरेडी, वो सब कम होना शुरू होता है प्रैक्टिस करते करते। और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हमारा तीसरा नेत्र का या छठी इंद्रिय हमारी खुलनी शुरू होती है और हम औरों को भी उसी दृष्टि से जब देखते हैं, हम अपनी तुलना औरों से दैहिक रूप में नहीं करते हैं तो हम खुद भी खुश रहते हैं और औरों को भी हम खुश कर पाते हैं। क्योंकि लोग जब मिलते हैं आपस में तो कैसी बातें करते हैं, आप क्या करते हो, मैं ये करता हूं, फिर होता है क्या, अच्छा उसकी नौकरी में इतना पैसा मिलता होगा, उसकी ये पोस्ट पे उसको इतना पैसा मिलता होगा, बस वहीं पर या तो हम लो फील करना शुरू करते हैं या हमें अभिमान आता है कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे अमीर हूं, इससे बेटर कर रहा हूं। और इसी दृष्टि में रहने से हम कभी ना खुश हो पाते हैं और ना ही हम किसी को खुश कर पाते हैं क्योंकि हम औरों को ईर्ष्या में डाल देते हैं अगर हम उनसे बेहतर हैं दुनियावी तरीकों में। सोचिएगा इस चीज के बारे में कभी आप। परमात्मा कहते हैं आप सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। औरों को देना ही अपना सुख का खाता जमा करना है। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। हम जैसे रात को ब्रह्म कुमारी हम सीखते हैं कि रात को सोने से पहले मैंने आज किसी को कुछ ऐसा कहा कि उसको दुख हो, या मैंने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया किया किसी को दुख हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया, आज मैंने कितनों को खुशी दी, कितनों को मैंने सुख दिया। सुख कैसे दें, उनकी बड़ाई करके, सच्ची बड़ाई, झूठी नहीं, काम निकालने वाली बड़ाई नहीं, उनकी सच्ची बड़ाई करना, देखना सच्ची में कि उनके अंदर क्या खूबियां हैं। जो भी संपर्क में आए आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें, उनको सुख मिले कि हाँ मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये शक्तियां हैं और वो भी दी किसने, परमात्मा ने दी हुई है। और आप जब उनकी महिमा करते हो तो आप किसकी महिमा कर रहे हो, बनाने वाले की महिमा कर रहे हो, परमात्मा की महिमा कर रहे हो। तो फिर परमात्मा कहते हैं आगे, हर कदम में सुख की अनुभूति करें, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। क्योंकि आपकी दृष्टि कैसी है, दिव्य दैहिक नहीं है, अलौकिक मतलब आपने लौकिक बातें नहीं करी, क्या करते हो, कहाँ कितना कमाते, नहीं अलौकिक बातें। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है, एक जन्म में 21 जन्मों का।
तो आपको एक जन्म में अगर आपने कई आत्माओं को सुख दिया, उनकी खूबियां, उनकी शक्तियां उनको बताई, उनको टैलेंट्स बताया, आपने उनको खुश हुआ आपसे, तो वो खुशी जो है वो सदा के लिए अपने पास में लेके जाएंगे। एज कम्पेयर टू आपने उसको कुछ खरीद करके दे दिया, उसको पैसा दे दिया, दान कर दिया, वो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए यूज कर लिया, उसका फिर से कम हो जाएगा। लेकिन ये जो आप उनके गुण और शक्तियों की उनको खुशी देंगे वो उनके साथ सदा रहेगा। और आप जब उनके अंदर गुण देखेंगे, शक्तियां देखेंगे, तो आपके अंदर खुशी बढ़ेगी। तो क्यों ना अपनी दृष्टि हम डिवाइन कर लें, और क्यों ना अपनी दृष्टि को हम अलौकिक कर दें, ताकि हमारा 21 जन्मों का हमारा जो भाग्य है वो जमा होता जाए, खुशियां देने का भाग्य। जितनी खुशी देंगे उतनी 21 जन्म आपको उन आत्माओं से खुशी मिलेंगी। ये राज है जो कि परमात्मा के सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी। ओम शांति के साथ।